चलिए तो शुरू करें आज का फिर एक बार एडवांस मैथ का ट्रायंगल चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन में। और पहला सवाल हम लोग का है ए वाला, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। इसको बनाने का दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट आइसोसेलस के एरिया पर बनाइए और एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल बराबर होता है, बोलो क्या होता है, पहला है बेस इनटू फोर स्क्वायर माइनस बी आपका कितना है, बी मतलब होता है अदर साइड जो बच गया 48 सेंटीमीटर इनटू फोर गुना 30 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर बाय फोर, ये तो कट गया 12 बार में, नीचे वाला का टेंशन छोड़ दीजिए आप, तो 12 हो गया सेंटीमीटर इनटू अंदर करिए 3 जा 9 900 यानी 3600 माइनस 48, 48 का स्क्वायर कितना होता है याद है 64 की 4 हाथ बराबर 6 और अच्छे के बच्चे दिन 64 है 6 70 की 0 हाथ बराबर 7 16 7 23 2307। अब इसको 12 सेंटीमीटर घटाइए तो 10 में से 4 गया 6 या 9 में से 0 गया 9, यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 2 और 3 से 2 गया 1296। अब इसको 1296 का स्क्वायर रूट निकालिए तो लास्ट में 6 है तो 6 किसके किसके बीच में आता है देखो, तो 4 और 6 किसके किसके लास्ट में आता है स्क्वायर करने पर 6 4 और 6। अब 12 ऐसा स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर करने पर 12 या 12 से कम है, इसमें होगा 12 अगर करेंगे तो 9 बढ़ा कर चलती है 12 बड़ा हो रहा है 36 में गुणा कर दीजिए 72 और 36 2 7 6 13 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना देता है नहीं देता है, तो एक मेथड है हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला से। अगर मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो उस सिचुएशन में आपके पास मौका है बनाने का और वो है आप हीरो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। हीरो फॉर्मूला में भी 3 साइड जब आपका दिया है तो सबसे पहले आप एस निकाल दीजिए, एस बराबर 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर बाई 2 कितना हो गया 60 100 कितना हो गया 8 108 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि कितना आया जोड़ लेना पहले 8 इंटू 6 4 10 54 सेंटीमीटर आपका एस आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। अब आप लगा लीजिए एस के जगह पर 54 इंटू 54 माइनस 30 कोई भी रख सकते हैं 54 माइनस 30 54 माइनस 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 54 इंटू कितना 14 गुना 14 इंटू 6 एक तो जोड़ा लग गया हो गया ना तो 14 निकाल दीजिए और 54 अगर नहीं किसी को पता चलता है तो इसको और करिए ऐसा करिए जिससे और छोटा हो जाए इसको मल्टीप्लाई के कहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या 24 होगा अब ठीक है। चलिए अब यहाँ पर करेंगे तो हो गया 54 को लिख सकते हैं 9 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6 है तो 6 रहने देंगे, 6 का पेयर लग गया तो 6 लग गया कि नहीं। चलिए
अब यहाँ लिखते हैं, सिक्स का पेयर लग गया तो सिक्स, नाइन का पेयर नहीं लगा, नाइन का स्क्वायर रूट तो सीधे तीन होता है, और चौबीस का होता है पेयर लग गया तो चौबीस, अठारह इंटू चौबीस गुना करिएगा बहत्तर, छत्तीस दू सात छः तेरह तीन चार, चार सौ बत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये दिया गया। ट्रायंगल का जब भी आप एरिया निकालने जा रहे हैं तो अगर इक्वल साइड है तो डायरेक्ट लगाइए अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, और नहीं तो अगर आइसोसेलस रहे या फिर स्केलिन रहे, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है और उसका नाम है कौन, हीरोइन फॉर्मूला। हीरोइन फॉर्मूला निकाल के सारा दुख दर्द खत्म कर देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा था और ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ये सब क्वेश्चन तो एकदम लोकल है और बहुत अच्छा है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 18 की ओर बढ़ते हैं। एक 18 कहता है कि बेस अगर किसी आइसोसेलस ट्रायंगल का 12 हो और इसका पेरिमीटर 32 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। आइए हम लोग इसको बनाते हैं बढ़िया से, इसको तो उतारना है नहीं, ठीक है, उतारने की क्या आवश्यकता है, हीरो फॉर्मूला तो आपका यूज हुआ है, ठीक है, दो मिनट उतारने के लिए टाइम दे देते हैं, सब देख रहे पूरा लिख रहा है भाई। हाँ तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, कैसे हम बताए कि आइसोसेलस है तो देख लो, आपको पता चल गया होगा बना दिए तो। इस आइसोसेलस ट्रायंगल का नाम एबीसी है और इसका पेरिमीटर देख लो 32 है, तो पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। सिंपल है, मान लेते हैं कि इक्वल साइड एक्स है इसका, सोच लो, ठीक है, पेरिमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, हम लोग जान रहे हैं कि एक दोनों बराबर होगा, ठीक है, इसलिए लेट बी द इक्वल साइड कितना हो गया, इक्वल साइड एक्स सेंटीमीटर हो गया। अब पेरिमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल बराबर सम ऑफ ऑल साइड, कोई फॉर्मूला तो होता नहीं पेरिमीटर का तो एक ही बस है रूल, पूरा साइड को जोड़ दो तो हो गया। पेरिमीटर तो आपका दिया हुआ है 32 ऊपर में देखो, अब सम ऑफ ऑल साइड करो, x प्लस 12 तो 32 सेंटीमीटर इक्वल 2x प्लस 12 तो इधर घट जाएगा 20 सेंटीमीटर और 2x कट गए, x इक्वल 10, चलो x इक्वल आ गया आपका ए भी 10 ए भी 12। अब किससे निकाल लीजिएगा एरिया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से या तो हीरोइन फॉर्मूला, उनका नाम हीरोन था, समझ रहे हैं, एच ई आर ओ एन, हम लोग हीरो कह देते हैं, लड़की लोग हीरोइन कहती है, लेकिन उनका नाम बीचे में है हीरोन। चलिए हो गया, निकाल लीजिएगा इसको, छोड़ दें, पेरिमीटर दिया है तो पेरिमीटर बटा 4, तो 4 साइड है इसमें, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल रहेगा तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएगी क्या। बाल विद्या निकेतन का स्टूडेंट थी, रोल नंबर, चलिए रोल नंबर 2 है उसका, नाम है सुप्रिया कुमारी है, क्या जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे इसको बना लीजिएगा आप लोग, अब आगे बढ़े तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो, संध्या एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल 26 सेंटीमीटर है और उसके अपोजिट वर्टिसेस देख लो कौन होगा,
एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है जिसका लंबाई 12.8 और 11.2 है, यानी इसके अपोजिट वर्टिसेस यहाँ, इसके अपोजिट वर्टिसेस यहाँ, कह रहा है कि यहाँ दोनों अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है जिसका लंबाई 12.8 और 11.2 सेंटीमीटर है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने के लिए सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेंगे। नाम है इसका कौन, कुमारी, कोई कुमारी है, लिखेंगे सबसे पहले। इसमें दो गो ट्रायंगल है, देखो ऊपर और नीचे है ना, समझे संध्या। फिर आ गया कोरोना, तू लोग मास्क कितना लगाई, कोरोना खत्म में भी यहाँ ही गया। फिर देख लो, जय श्री राम। देखिए इधर, हाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो इधर इन ट्रायंगल एबीसी, बेस बराबर, बेस कितना है 26 सेंटीमीटर है ना, बेस कितना, ये वाला ट्रायंगल का बेस 26 और हाइट, तो एरिया बराबर क्या होगा, एबीसी बराबर धरी का लिया भाई, बेस 26 हो गया, कट गया कितना बार में, 13 बार में, 13 × 12.8 गुना करिए कितना आएगा, गुना करो। उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है बीडीसी में, बीडीसी में बेस कितना है बाबू और हाइट कितना है 11.8, एरिया बराबर हो जाएगा इसको भी गुना करिए 13 × 11.2 कितना आया, ऊपर वाला का एरिया कितना आया, बोलो 176.4 और इसका 4. बोलो जल्दी, कितना नहीं कितना है देख लो बता सर। अरे भाई गुना भी नहीं तू लोग आता है, गलत ही बताया ना, कि मारेंगे इसको ना कि मोहम्मा पर उधर पूरा दिया घूम जाएगा बेवकूफ, गुना भी नहीं आता कर्म इन कहा के। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला, ऊपर वाला कितना आएगा, 166.4 इसका जल्दी देखो क्या करता है, पढ़ना लिखना गुना गड़बड़ कर रहा है भाई, नाम बोलेंगे सबके फोटो बुला के जा दिखाएंगे, एक घंटा से रुको गुना नहीं होता है, 145.6 ठीक ही है, तू लोग से कहिए हम एक साल पहले निकाल के बैठे हैं, अब किसी को गुना नहीं आ रहा है, बताओ क्या है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया बराबर और लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन, एबीसीडी ना, एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बीडीसी, कितना था इसका 166.4
इसका 145.6 जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 5 11 12, 6 4 10 11, 1 2 3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 312 सेंटीमीटर। देखो आया, सिंपल है, इवन एक तिलक से बोल रहा है। चले आगे बढ़े, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इधर। अरे तू आ गया बीच में, मेरा सब बोला हुआ गड़ा गया, तो अंदर सीधे आना चाहिए था तुमको। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगल है शायद, जिसका लेंथ 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ 24 सेंटीमीटर, उसके बीच से कटिंग किया गया है। देखिए ट्रेंगुलर टाइप का है, ट्रेंगल है, जिसका हाइट दिया हुआ है। तो बताना है कि शेडेड पार्ट का जो रंगीन भाग दिया हुआ है उसका एरिया कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आइडिया बस यही है कि सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकल जाए, पूरा रेक्टेंगल का जैसे ही एरिया निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा पूरा, और उसमें से इतना जो ट्रेंगल का एरिया घटा दें तो हम लोग को बच जाएगा जो रंगीन पार्ट है उसका एरिया। कैसे होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे फोर द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पहले फोर देना है, लेंथ 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ 24 सेंटीमीटर, एरिया बराबर एल इंटू बी, कितना होगा 36 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर, कितना होगा गुना करिए। अरे गुना इसको आता है, प्रूफ करते हैं कितना होगा, सोचते हैं कि तुलक के गुना करके भाई। आप इधर चलते हैं फोर द ट्रायंगल, ट्रायंगल में चलते हैं, बेस आपका टोटल ये वाला पूरा बेस है, देख लो 24 सेंटीमीटर बेस है, तो बेस 24 सेंटीमीटर, हाइट आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 1/2 × बेस × हाइट, यानी कि 1/2 यहाँ लिखेंगे, बेस आपका 24 तो दिया है और हाइट आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, पॉइंट में नहीं ना, चलिए 15 मीटर है सारा का सारा, हम सेंटीमीटर लेकर कोई जवाब नहीं। चलिए इसको गुना कर दिए 12 बार में, 12 × 60 = 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसका कितना आया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल। आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, शेडेड पार्ट टोटल नहीं निकालना है, बराबर हो जाएगा टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर घटेगा, तो 4 × 4 6 16 × 8 7 × 6 देखो आंसर देता है, हो गया आंसर, देख लीजिए आंसर, कौन देखता था, अंगुली डाल रहता था आंसर में, देख लो बाबू आंसर देखे वाला लेकिन। तो चलिए एक और नया ताजा क्वेश्चन आप लोग के पास है, 5 नंबर, चलो दिखाई तो दे ही रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पर, मेरे पास सामने वाला स्क्रीन नहीं है ना, यहाँ रहना चाहिए था ऐसे करके, हम देखते कि क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो सब होता तो और अच्छा होता है ना, बोल रहे कि लगा दीजिए, एक काम करो सबको इस बार साल का एक ही बार पैसा दे दो, समझ रहे, पढ़ना ही है तो एक ही बार दे दो, लगा देते हैं ठीक है, बढ़िया हो जाएगा सारे लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक रेक्टेंगल है, देखो एक रेक्टेंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग दिखाई दे रहा, उस रंगा हुआ पार्ट का एरिया निकालना है बीच वाला का, और ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर कोई है ठीक है,
तो इसका लेंथ को हम लोग 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है 40 और यहां से लेकर यहां तक का है कितना 20। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक मिड पॉइंट क्वेश्चन में लिखा है कि एक मिड पॉइंट है जो हर एक साइड को बीच में मिड पॉइंट से टच किया गया है। मिड पॉइंट कहने का मतलब इसको अब कुछ खास नहीं था, मिड पॉइंट कह रहा था कि साइड को बराबर बड़ा पार्ट में दो भाग में बांट दिया है, मतलब कि अगर ये 40 है तो इधर 20 हो गया है और ये भी 20 हो गया है, ये भी 20 हो गया है, ये भी 20 हो गया है, इधर ये वाला 12.5 हो गया है, ये वाला भी 12.5 हो गया है, ये वाला भी 12.5 हो गया, ये वाला भी 12.5 हो गया, ऐसे करके ये वाला फिगर है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, है ना, लिखेंगे फॉर द रेक्टेंगल एबीसीडी, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप लोग अपना लैंग्वेज, एरिया बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब देखो तो जरा बढ़िया से एक ट्रायंगल बन रहा है, अब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखो तो बन रहा है, एक ट्रायंगल, दो गो ट्रायंगल, तीन गो ट्रायंगल, चार गो ट्रायंगल, और चारों राइट एंगल ट्रायंगल है और चारों एक ही लेंथ और एक ही बेस और हाइट का है। आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का एंगल रेक्टेंगल में बनता है, इसलिए वाला जो पूरा है वो हाइट है और नीचे जो है बेस है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े भी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला होता है उसको बेस और एक जो परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया अपन का, इसका मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल का हम लोग का एरिया निकालना है और उसके बाद चार से गुना कर देना है, क्यों, क्योंकि चार ट्रायंगल, लिखेंगे फोर द ट्रायंगल ए एफ ई बराबर 1/2 गुना बेस कितना, बेस हाइट कितना, सर बेस 12.5 दोनों इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं कट गया, कितना हो गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया, कितना हो गया 100, एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का हुआ ना, ट्रायंगल बोल रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। तो अब लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर का, इस बार गुना वुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चेक करते रहना। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल, है ना, यानी 1000 में से 500 गेले कितना बचले, छापो, छापिए, चलिए आगे बढ़े।